हमें फंक्शन गिवन है एक्स का स्क्वायर। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यहाँ पे आर से आर गिवन है, यानी डोमेन इज रियल नंबर, रेंज इज रियल नंबर। ठीक है, मुझे इंजेक्टिव सर्जेक्टिव, इंजेक्टिव होता है वन 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 वन, सर्जेक्टिव होता है ऑन टू। ठीक है, और अगर दोनों वन वन ऑन टू तो उसे कहते हैं बाईजेक्टिव, ये रहा। ओके चलो, अब सबसे पहले हम चेक करते हैं वन वन यानी इंजेक्टिव। इंजेक्टिव चेक करने के लिए, क्या करते हैं, एफ एक्स वन को एफ एक्स टू के इक्वल करते हैं, और अगर मेरा एक्स वन इक्वल टू एक्स टू आ गया तो बात खत्म हो गई। ठीक है, ऑल राइट। तो यहाँ पे हम एफ एक्स वन एफ एक्स टू निकाला, इन दोनों को इक्वल प्रूव करा। तो अगर मैं यहाँ पे इन दोनों को कैंसिल करूँगा ना स्क्वायर को, तो मेरे भाई यहाँ पे ना कुछ पंगा है। यहाँ पे पंगा क्या है वो बताया था मैं साफ साफ, टू का स्क्वायर इक्वल टू माइनस टू का स्क्वायर भी होता है, क्योंकि फोर की वैल्यू फोर होती है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे दो केस बन सकते हैं, एक तो कि एक्स वन इक्वल टू एक्स टू होगा, और एक कि एक्स वन इक्वल टू माइनस एक्स टू होगा। ठीक है, ध्यान रखना ये दो केस बनेंगे, दोनों केस लिखने हैं हमें। ठीक है, अब देखो एक्स वन इक्वल टू एक्स टू तो हमें सेटिस्फाई करता है, पर ये वाला केस सेटिस्फाई नहीं करता है। अगर ये वाला केस आ गया तो पंगा हो जाएगा, क्योंकि ये वाला केस आ गया है तो इसका मतलब वन वन नहीं है ये। ठीक है, साफ साफ डज नॉट हैव अ यूनिक इमेज, तो इट इज़ नॉट वन वन। ठीक है, स्टेटमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन है, एमसीक्यू ही आएंगे, मतलब फिल ही करना होगा। ठीक है, ऑल राइट। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि एफ ऑफ माइनस वन भी वन है, एफ ऑफ वन भी वन है, लेकिन वन और माइनस वन अलग अलग है, तो मतलब ये वन वन नहीं है। ठीक है, ऑन टू, ऑन टू का मतलब होता है, अब देखो एफ है मेरा आर से आर, और एफ एक्स है एक्स का स्क्वायर। तो ऑन टू के लिए क्या करते हैं, एफ एक्स को लेते हैं वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स को लिखता हूँ वाई के टर्म्स में। ठीक है, वाई की वैल्यू मैं डालता हूँ जो मेरी यहाँ पे ये वाली वैल्यू है, कोई भी रियल नंबर। तो चेक करते हैं कि क्या एक्स मेरा रियल नंबर आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इस फंक्शन में एफ एक्स को वाई पुट करते हैं, जहाँ पे वाई है मेरा, अब क्योंकि आर से आर था तो ये वाला आर लिया है बाद वाला, तो वाई है मेरा रियल नंबर। ठीक है, बाद वाला लिया है, ध्यान रखना। अगर ए से बी होता तो हम लेते वाई बिलोंग्स टू बी। ओके, अब हमें क्या करना है, पहले तो मैं एक्स की वैल्यू निकालता हूँ वाई के टर्म्स में, तो एक्स आएगा मेरा, क्योंकि स्क्वायर हटाऊंगा तो प्लस माइनस रूट वाई। ठीक है, तो ये आ गया एक्स की वैल्यू वाई के टर्म्स में। अब मैं वाई की वैल्यू कोई भी रियल नंबर पुट करूँगा और चेक करूँगा कि क्या एक्स मेरा रियल नंबर आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वाई की वैल्यू वन पुट करूँ तो एक्स आता है प्लस माइनस वन, तो हाँ ये रियल नंबर आ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मैं सपोज वाई की वैल्यू डाल दूँ माइनस टू, तो एक्स आ जाएगा प्लस माइनस रूट ऑफ माइनस टू। अब रूट माइनस टू तो कॉम्प्लेक्स होता है, रियल का होता है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये ऑन टू नहीं होगा। ठीक है, बस बात खत्म होगी। तो जैसे यहाँ पे माइनस थ्री पुट करा है, तो क्योंकि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रूट ऑफ नेगेटिव नंबर इज नॉट रियल। अब रियल ही नहीं है तो भाई एक्स की वैल्यू रियल ही नहीं है, तुमने कुछ गड़बड़ करी है, मतलब गड़बड़ क्या करिए कि तुम्हारा ऑन टू नहीं है, तो ऑन टू नहीं है फंक्शन। तो ना तो फंक्शन ऑन टू था, ना ही ऑन टू सब्जेक्टिव होता है, और ना तो फंक्शन ऑन टू था, ना ही वन वन था, तो इसका मतलब ऑप्शन ए करेक्ट है।